नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। आपने टीवी डिबेट में कई बार बीजेपी या किसी हिंदूवादी संगठनों के प्रवक्ताओं को औरंगजेब के अत्याचार और क्रूरता पर चर्चा करते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही बीजेपी सरकार औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की कब्र की खोज करवाने में जुटी हुई है। इसके लिए पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी भी बनाई गई है जो दारा शिकोह के कब्र को लेकर रिसर्च में जुटी हुई है। इतिहासकार मोहम्मद काजिम इब्रे मोहम्मद अमीन मुंशी की एक प्रसिद्ध किताब आलमगीर नामा में दारा शिकोह के कब्र के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब में लिखा गया है कि दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे में उस गुंबद के नीचे दफनाया गया था जहां अकबर के बेटे दानियाल और मुराद भी दफन हैं। दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे में उस गुंबद के नीचे दफनाया गया था जहां अकबर के बेटे दानियाल और मुराद दफन हैं। बाद में इसी जगह तैमूर वंश के शहजादों और शहजादियों को भी दफनाया गया था। इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं की टीम हुमायूं के मकबरे में तमाम कब्रों पर रिसर्च कर रही है। हालांकि सवाल उठता है कि दारा शिकोह के कब्र के प्रति मोदी सरकार इतना सक्रिय क्यों है? मोदी सरकार क्यों दारा शिकोह के कब्र को प्रसिद्धि देना चाहती है? दरअसल शिकोह भारतीय उपनिषद और भारतीय दर्शन का विद्वान होने के साथ उदारवादी था। वो शाहजहां का बहुत दुलारा बेटा था। शाहजहां ने अपना बड़ा बेटा और दुलारा होने के चलते दारा को ही अपना वली अहद यानी युवराज बना दिया था। वो भारतीय ऋषियों के द्वारा रचित उपनिषदों के दर्शन से बहुत प्रभावित था। उसने काशी के विद्वानों को आगरा बुलवाकर अपने दरबारी फारसी विद्वानों को उनसे चर्चा करके और समझकर उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी करवाया। फिर वो अनुवाद यूरोप पहुंचा, वहां इनका लैटिन में अनुवाद हुआ जिससे दुनिया को प्राचीन भारतीय दर्शन की दर्शन मिली। मतलब भारतीय सभ्यता संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराने में दारा शिकोह की अहम भूमिका थी। इसलिए दारा शिकोह के चरित्र को भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पसंद करता है। हालांकि ये भी बता दें कि दारा शिकोह जितना उदारवादी था उसका छोटा भाई औरंगजेब उतना ही क्रूर और अत्याचारी। वो दारा की शाहजहां से नज़दीकी से जलता था। उसने पहले शाहजहां को और फिर दारा को नज़रबंद कर लिया था। शाहजहां के जीवन काल में ही औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर अपने पिता शाहजहां को नज़रबंद कर सभी भाइयों को मरवा दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई और पिता के साथ क्रूरता की हद की थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उसने दारा शिकोह को बेहद ही घिनौने तरीके से हाथी पर बिठाकर चांदनी चौक में जुलूस निकाला था। फिर बेहद ही क्रूरता से दारा की हत्या कर उसके सर की जुलूस निकाली और उसे तस्तरी में सजाकर अपने पिता शाहजहां को भेंट किया था। यही वजह है कि मोदी सरकार दारा की दिलेरी और उसके बलिदान को दुनिया के सामने लाना चाहती है और मुस्लिम समाज के उस चेहरे को भी सामने लाना चाहती है जो समाज और दुनिया से ओझल हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।